बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने का समय आ चुका है और तमाम श्रद्धालु जो इच्छुक रहते हैं कि बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन करें, उनके लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि वो पंजीकृत होकर इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं और यात्रा के माध्यम से सौभाग्य की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें, बुलंद आवाज बनते आए हैं अशोक गुप्ता, और वो लगातार जो है प्रशासन हो, शासन हो, सब पर सवाल भी खड़े करते हैं, वो सुझाव भी देते हैं। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये कहा है कि कोई भी दिक्कत उन श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तमाम सुविधाएं जो है उन्हें प्रदान की जाए। श्री अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, 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 श्री अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, यात्रा में तत्कालिक काउंटर, अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, 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 अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, श्री अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, श्री अमरनाथ यात्रा में तत्कालिक काउंटर और बढ़ाओ, 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 गोपाल जी ने करा है उसका स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले यात्रियों की तैयारी के संबंध के अंदर उनको समस्या का समाधान करने हेतु जो चार नए धाम खोले गए हैं, उनके अंदर प्रबंधन की दृष्टि से सारा प्रबंध करने की जरूरत है। यात्री जैसे ही लखनपुर के अंदर आए, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने का प्रयास ना कर पाए, ट्रैफिक व्यवस्था घूसखोरी करने का व्यवस्था ना कर पाए, एक ही एक चिट उन पर चिपक जाए और रास्ते के अंदर कोई ट्रैफिक वाला उनको चेक करने का प्रयास ना कर पाए, ताकि सुचारू रूप के अंदर यात्रा का प्रबंधन हो सके। और दूसरी बात, जो बार बार कठिनाइयों का सामना मौसम विभाग के माध्यम से करना पड़ता है, यात्रा रुक जाती है, उसके लिए जो आदमी आए उसको उसी टाइम सारी व्यवस्था की पालना करनी पड़े, काउंटर पर जाकर के टिकट प्राप्त हो जाए और वो जाने का प्रबंध कर सके, जिसके अंदर मेडिकल चेकअप के लिए हमें ज़्यादा डॉक्टरों का प्रबंध करना होगा। हम ऐसे दो काउंटर खोलते हैं, एक माझनाल के अंदर, एक धाम के अंदर और एक रेलवे स्टेशन के ऊपर, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से 8-9 घंटे मेडिकल सर्टिफिकेट को लगते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हमको अलग से प्रबंध करने का प्रयास करना होगा, ताकि तत्कालिक लगभग 10 मिनट के अंदर उनका मेडिकल टेस्ट हो जाए, वो काउंटर अलग बने, वो भी माझनाल के साथ गुलाब भवन के अंदर बन जाए, ताकि आगे पीछे जो लंबी लंबी लाइनें माझनाल के बाहर लगती हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर लगती हैं, वो धाम जो श्री अमरनाथ यात्रा का धाम, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वो लाइनों को समाप्त करने का प्रयास कर पाए। और माननीय उपराज्यपाल जी, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब, आपका धन्यवाद कि चार धाम और 70 वर्षों के बाद आपने खोलने का प्रबंध करा है। एक धाम अभी बन गया जिसकी इनॉग्रेशन हो रही है, चंदनवाड़ी का तैयार पड़ा हुआ है, श्रीनगर वाले की इनॉग्रेशन हो गई है, इस तरह से ये धाम एक अच्छा प्रबंध देने का प्रयास कर पाएंगे, ये मेरी एक मन की इच्छा है। लेकिन सुचारू रूप से यात्रा चल पाए, यात्री को कोई कठिनाई ना आ पाए, और वो यात्री ऐसा प्रबंध करे शिवखोड़ी जाए, माता वैष्णो देवी जाए, रघुनाथ जी के मंदिर जाए, बावे वाली माता जाए और पूरे जम्मू का भ्रमण कर पाए, और वो जो तवी फ्रंट हमने खोला है उसको देखने का प्रयास कर पाए, और यू भी जो है हमारा तब देखेगा जब उसके अंदर कुछ होगा। तो इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जो यात्रु आ रहे हैं, लगभग मुझे आशा है कि 6.5 लाख